हाँ जी, स्वागत करते हैं जी थोड़ा अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जी स्टडी इनसाइडर। जिस तरह के तुहाडी सारे लिए बहुत वधिया खुशखबरी है कि जो लास्ट ईयर पेपर मास्टर ग्रेडर दी पोस्टा आईया सी उन्हां दे पेपर दी डेट आ चुकी है। सो आपां पब्लिक नोटिस नूं डिस्कस करते हैं, पहला देख लेने इसनों, फिर उस तो बाद इस दे पेपर बारे डिस्कस करते हैं कि किस तरह आपां तैयारी करनी है। देखो कुछ पोस्टा आईया सी 135 हैंडीकैप्ट दियां, उन्हां दी पेपर ये विच ही होएगा सारा, है ना। उस तो बाद 4 असामियां कुछ हिंदी दियां आईया सी, जेल विभाग विचों कुछ असामियां सी, एंड 598 पोस्टा सी अलग अलग सबजैक्ट दियां, मास्टर कैडर दियां ही बैकलॉग दियां असामियां। एंड मेन असामियां जो नवी भर्ती आई सी 4161 पोस्टा, इन्हों का पेपर जो हुण होण जा रहे है। बहुत ही थोड़ा समा रह गया तुहाडे कोल, आपां चलो एक बारी पहले डेट्स देख लें। जिमें SST का पेपर 21/8 होएगा, एंड पंजाबी का भी 21/8 होएगा, मैथ एंड हिंदी का पेपर 28 होएगा, एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर 4/9 नैक्सट मंथ चल जाएगा, इंग्लिश का पेपर भी 4/9 होएगा, एंड साइंस एंड म्यूजिक का पेपर 11/9 होएगा। ठीक है जी, देखो पेपर दे जो डेट्स ने, है ना, उन्होंने बहुत ही थोड़ा समय 1 महीना ही रह गया तुहाडे कोल, जिन्हां दी तां तैयारी बहुत वधिया हो चुकी है। मे बी उन्होंने लगता होएगा कि ठीक है समा उन्हां दी तैयारी वधिया हो जाएगी, बट जो तैयारी हुण काफ़ी समय तो छड चुके सी उन्हां लई बहुत थोड़ा जिहा हुण औखा हो जाएगा, क्योंकि 1 महीने दे विच रिविजन करनी है, 1 महीने दे विच प्रैक्टिस करनी है, 1 महीने दे विच ही सारा सिलेबस कवर करना है, कुछ टॉपिक्स आपां छड्डे हुंदे आ उन्हां भी कवर करना है, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर जो हुणे होके हटिया उन्हां भी कवर करना है, बहुत ही सिलेबस तुहाडा जो पिया पेंडिंग, ठीक है, वो सारा तुहानू करना पएगा। जिन्हां दा मान लो लास्ट ईयर पेपर रह गया सी कुछ नंबरां ते, बहुत ही घट नंबरां ते जो तो आपां रह जांदे आ तां दुबारा पढ़ना मैनूं पता बहुत मुश्किल हो जाती है, पर हुण 1 महीना तुहानूं पूरी बहुत वधिया मेहनत करनी पएगी। बहुत ही सोहनी ओपरचुनिटी है ये पेपर, बार बार मे भी होवे ना होवे, बट ये मौका तुसीं लास्ट मन के चलो कि हुण पेपर हो रहा, इस तो बाद पता नहीं सिस्टम बदलेगा जां पेपर होएगा नहीं होएगा, कुछ आपां नहीं कह सकते। सो ये पेपर बहुत ही तुहाडे लई इंपोर्टेंट है। 1 महीना जो रह गया तो इनू 30 डेज़ ना मनियो, इसनों 60 डेज़ मन के चलियो, अपना डे नाइट पूरी मेहनत करनी है। ठीक है, हुण आपां थोड़ा डिस्कस कर लेने कि इसकी तैयारी किस तरह की जाए। मैं मैथ की या साइंस की गल कर लें, चलो बाकी सब्जेक्ट आपां नहीं आपां डिस्कस कर रहे। मैथ का पेपर जो मैथ का सिलेबस है, सब तो पहला मेन, वैसे तो बहुत छोटा जिहा पॉइंट है, बट तुसीं कहोगे कि ये तो चलो सानू पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब तो पहला तो तुहाडा सिलेबस है ना जिहड़ा, वो कंप्लीट होना चाहिए। जिन्ना टाइम तुसीं एक टॉपिक भी अगर उसनों छड्ड गए जां उसनों लाइटली ले लिया कि इहदा सानू आउंदा है जां इहदे विच एक दो क्वेश्चन ही आउणगे, तुसीं पेपर नूं एनालाइज़ करके ना पढ़ो। पेपर नूं एनालाइज़ आपां नहीं कर सकते, किसी भी टॉपिक दे विचों किन्ने भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। दूसरी गल, सिलेबस अपना पूरा होना चाहिए, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक एंड एक एक चैप्टर थोड़ा कंप्लीट होना चाहिए। उस तो बाद मेरे अकॉर्डिंग की करो, 20 तरीक तो पहला पहला अपना सारे सिलेबस की एक बार बहुत अच्छे तरीके रिविज़न करो, प्रीवियस ईयर पेपर सारे कवर करो। मेन जो है लास्ट ईयर के पेपर होंगे ने, जिमें कि मैरिटोरियस का पेपर हो के हटिया, जो लास्ट प्रीवियस ईयर मास्टर ग्रेडर का पेपर होके हटिया, उन्होंने जरूर कवर करना है। उन्होंने विचों बहुत ज़्यादा चांस ने कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन आपने एक एक क्वेश्चन टिप्स से करना है, एक एक क्वेश्चन प्रॉपरली चंगी तरीके प्रैक्टिस करो, लिख लिख के देखो, क्योंकि पता की है कुछ टॉपिक्स इदा के होंगे, कुछ कंसैप्ट इदा के होंगे करके ही पता लगते हैं। तुम आप सोचते हैं कि टॉपिक सूँ आता है, ये तो आप उपर उपर कला देख के ही रिविजन हो जाती है, एवं रिविजन किसी भी टॉपिक की ना करो चाहे बिल्कुल ईजी हो, जिन्ना तुसीं लिख के देखोगे थोड़े कंसैप्ट माइंड च बैठ जाएंगे, उत्थे स्पीड नाल क्वेश्चन होणगे, अपनी स्पीड घट जाती है पेपर दे विच, टाइम घट जाता, इहदा कारण यही हुंदा है कि आपां प्रैक्टिस लिख के नहीं करते, है ना। तां मैथ नूं प्रॉपरली प्रैक्टिस करो, इसकी जिन्नी वधिया तैयारी करोगे उन्ना वधिया तुहाडा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हुण इक्को ही ओपरचुनिटी है। बार बार आपां देखो हुण पेपर दोबारा हो रहा है, मेन मैनूं लगता जनरल कैटागरी का पेपर काफ़ी समय बाद हुण हो रहा है, सो बहुत ही वधिया मौका है। 1.5 साल बाद पेपर हो रहा है, तो हुण ये मौका नहीं आपां ने गवाउणा। जिन्हां दा पेपर रह गया सी जां जो पेपर हुण पहली बार दे रहे हैं जां दूसरी बार दे रहे हैं तीसरी बार दे रहे हैं, मैनूं पता है बार बार तैयारी करनी बहुत औखी है, सो हुण ये पेपर बहुत ही वधिया ओपरचुनिटी है तुहाडे लई, सो वधिया तैयारी करनी है। बाकी मैं जिवें तुहानूं कहा सी कि प्रीवियस ईयर पेपर मैं तुहाडे नाल जरूर आपां डिस्कस करांगे लाइव यूट्यूब ते, वो आपां जल्दी कल परसों तक क्लासेस मैं 100% आपां शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो तुसीं अगर ये वीडियो वधिया लगी है तो चलो लाइक कर दिओ, ठीक है। मैं ये वीडियो बनाउण दा परपज़ यही सी, काफ़ियां नूं तां पता लग ही गया होएगा डेट्स वीडियो आउण तों पहलां, बट
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ।